राम कुमार गौतम है नी, लड़की होती तो दूसरे देव उसमें सुबह भेज जाओ हमारा पेंडा छूट जाए। इस पर का तो एक भी कौन नहीं, ये तो घटिया है। कोई बोल पड़ोती नहीं, कोई राजनीति करे है, कोई भी बोल पड़ोती राजनीति करे है। यू एक राजनीति करनी है, यू जान है कि पंचाश बराहर के लाखड़ी काट दो जू जाएगा तो जिताया था। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं हरियाणा हलचल। साथियों, आज नारनौल में हैं और जो खेड़ी जालब तहसील पर 21 दिन हो गया आज किसानों ने जो ताला लगा रखा तहसील का मुआवजे को लेकर, तो जो किसानों की मांग थी उसी को लेकर आज किसानों की बड़ी कॉल थी, क्योंकि आज की जो जेजेपी की दुष्यंत चौटाला की यहाँ पर रैली थी नारनौल के अंदर, और किसानों में रोष था कि दुष्यंत चौटाला जो हमें चैलेंज कर रहे हैं यहाँ पर रैली करके, तो किसानों ने तभी अपनी तैयारी रख चली थी और नारनौल में रैली करने का किसानों ने फैसला किया, हम खुद रोज प्रदर्शन नारनौल में निकालेंगे। तो आज की जो रैली है वो दुष्यंत चौटाला ने पहले ही कैंसिल कर दिया है, क्योंकि विधानसभा स्तर बुला लिया था तो रैली कैंसिल है। लेकिन किसानों ने जो कॉल दी थी, किसान जो आज भारी संख्या में नारनौल पहुँचे, तो आपने दिखाएंगे कि कितनी संख्या में किसान पहुँचे, तो आप देख सकते हैं भारी संख्या में आज किसान यहाँ पर पहुँचे हैं। जो खेड़ी तहसील में किसानों का धरना चल रहा है 21 दिन से, तो खेड़ी तहसील में किसानों ने ताला लगा रखा है, तो उसी को लेकर जो किसानों की कॉल थी, तो किसान भारी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हैं और जो यहाँ पर किसान आया उनसे बातचीत करांगे। दादा राम राम। राम राम। ठीक सो दादा। हाँ ठीक सा भाई। दादा आज का के प्रोग्राम है जो नारनौल में इतनी संख्या में किसान इकट्ठे हुए हैं? आज का प्रोग्राम है भाई, इनती न्यू कह रखे है बोले वह तहसील छोटी है, बैठे रहेंगे, हमने कोई टेंशन नहीं। आज हम संदेशा देंगे या तहसील बंद कराएंगे, इस तहसील का भी ताला लगाऊंगे, SDM दफ्तर, DSP दफ्तर, तहसील तीनवा ना जाम करांगे भाई। यू आज पता देना, यहाँ दो चार दिन में या तो बात कर ले, नहीं तो ये भी जाम करांगे नानू की तहसील। जो खेड़ी वो बैठे हैं किसान, वो यहाँ पर आकर बैठ सकते हैं, वह ओडा भी बैठेंगे, रजिस्ट्री भी जाम करांगे, धनवान जाम करांगे, अगर ऐड तो भी नहीं मानना है फिर सार DC ऑफिस जाम करांगे, हमारी पूरी तैयारी है। और दुष्यंत चौटाला की आज की रैली भी थी, किसानों ने पहले ऐलान कर दिया कि हम अगर रैली करें तो विरोध करांगे या हम खुद रैली करांगे, तो के कारण लगा आपने जो दुष्यंत चौटाला की रैली कैंसिल हुई है? दुष्यंत चौटाला तो बच गया, छोड़ गए। अच्छा, वो तो बहाना ले गया, उसने ये कहा था भाई इतनी बड़ी रैली होगी आज तक कोई नहीं, रिकॉर्ड तोड़ रैली होगी, रिकॉर्ड टूट गया या सही, उसकी रिकॉर्ड टूट गया, दूसरा बल टूट गया, किसानों ने कब्जा कर लिया उसके स्टेज पर। ये है हमारा आज ओडा जाने का मकसद, इस तहसील को भी बंद करेंगे हम, SDM ऑफिस को भी, DSP ऑफिस को भी, दोनों तीनों को बंद कराएंगे आज। जो आंदोलन में ताकत किसानों की, क्या उसी की ताकत के साथ दोबारा से किस सरकार का विरोध होगा? ये सरकार का विरोध होगा जो दिल्ली में आया था उससे भी तकड़ा विरोध देख लिए यहाँ पर, पूरे भारत में हमने पता दे दिया, सारी पार्टियाँ आने लग रही हैं, 1 बजे तक सब किसान पहुँच लेंगे। और जो यहाँ से विधायक राम कुमार गौतम जी वो कह रहे मैं तो आवाज़ उठा रहा हूँ किसानों की, किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन मेरी चलती नहीं। राम कुमार गौतम है नी, लड़की होती तो दूसरे देव उसमें सुबह भेज जाओ हमारा पेंडा छूट जाए, इस पर का तो एक भी कौन नहीं आदमी, ये तो घटिया है। कोई बोल पड़ोती नहीं, कोई राजनीति करे है, कोई भी बोल पड़ो यू राजनीति करे है, यू एक राजनीति करनी है, यू जान है कि पंचाश बराहर के लाखड़ी काट दो जू जाएगा तो जिताया था, और आज यू बात मारा बड़ी बड़ी, इस पर का तो एक भी नीच को नहीं, ये तो बकवास मारा सारी, हम ना रामखोर बोल रहे हैं, 10 नवा कुमाई खानी है, हाँ रामखोर तो कर कर हाथ जोड़ के वोट मांग के कोई छोरा लुआ दिया, किमें किमें कराए दिया, DC में होटल ले के मुख्यमंत्री के लिए, इसकी कांग्रेस तो मैं शोरूम बनाया कर दी, उड्डे पर काम कराए, ईब खट्टर पर काम लग रहा है कराण, कौन का इसकी कौन बन दी, सारी बने है इसका काम है जो सारा बना है, ये हमारा बकवास बखाम खाएगी। और ये भी आरोप लगा कि राजनीति हो रही इस धरना पर, कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, जो भाई न्यू बोल पड़े है भाव ने न्यू दे दो, राम कुमार गौतम कुछ नहीं करता, उसे न्यू का राजनीति करा है, रही तो खोप पर राजनीति करा है, उसे न्यू कहते हैं। ये चीज क्या अपनी जिम्मेवारी था टलन का काम कर रहे हैं, और जिम्मेवारी था टलन का दूसरे को दोषी बना रहे हैं, 50 किलो दूध देगा भाई MLA बनेगा, वो आ गया था ओडलवान साहब उसने बोल दिया था, तो क्या के देगा बना था भाई, लाखड़ी दे दो बच्चे वोट दे दो, अरे हमने लाखड़ी को नहीं थी बनाए दिया, कुछ नहीं करे थे आज तक, पहली बन लिया भी बन लिया, एक काम बता दो युवा हल्का का काम यू करे समूह काम। तो आज का क्या कुछ प्रोग्राम रहता था, जो आज का प्रोग्राम है या आगे चलता रहोगा जो यहाँ का प्रोग्राम आज का आगे चालन खातिर चैलेंज करने जावा, हाँ तहसील ने SDM को नोटिस देंगे, 22 तारीख तहसील बंद करांगे या भी तहसील बंद करांगे, आड़े तो भी नहीं मानेंगे, 21 दिन और बाहर देख ली, 10 दिन आड़े देखा है फिर ताला लगे, फिर DC ऑफिस का लावांगे, मौजा छोड़ना कौन, किसी हालत में भी कौन छोड़ना भाई,
कितनी संख्या में किसान पहुंचे दादा? किसान तो बन्यू को नहीं बेटा, कितनी संख्या होगी बढ़ने लग रही है, बानिए होगी थी चोरी बोलिया कितनी होगी बोलिया होने लग रही है, क्यों सगैर प्यारा हुआ पूछा वो भी डंडे था बोलिया होने लग रही है, बोले तो आने लग रही है भाई, बाद में बताओ हमें कितनी होंगे। ठीक है दादा, ठीक है। देखो किसान है जो यहाँ पर बातचीत कर रही है, तो किसानों का कहना कि भाई जो दुष्यंत चौटाला की रैली थी, किसानों ने जो चैलेंज किया था उस चैलेंज को स्वीकार किया और उससे जबरदस्त जो रिकॉर्ड तोड़ रैली के कह रहे थे दुष्यंत चौटाला की रिकॉर्ड तोड़ रैली होगी उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया किसानों ने, और जो मांग है मुआवजे की किसानों की तो उसी को लेकर जो खेड़ी तहसील पर ताड़ा लगा रखा, तो किसानों का कहना कि अगर मुआवजा नहीं मिला तो हम नारंद की तहसील का भी ताड़ा लगाऊंगे और यहाँ तक बात नहीं मिली तो इस हार का भी ताड़ा लगा सका। तो साथियों आपने किसान विचार सुने, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपके सोच विचार क्या है आपने कमेंट में अपने सोच विचार देने हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वंदे मातरम।